क्या आपने हाल ही में सपने में पितरों को देखा है? या आप सोच रहे हैं कि सपने में मरे हुए पितरों या पूर्वजों को देखने का मतलब आखिर क्या हो सकता है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आज इस तरह के सपनों के बारे में खूब विस्तार से बात करेंगे। बहुत बार सपने में हमें हमारे मरे हुए परिजन या पितर दिखाई देते हैं। यदि सपने में मरे हुए लोग आते हैं तो डरना स्वाभाविक बात है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मरे हुए परिजन हमारे सपने में क्यों आते हैं? और यदि वे आते हैं तो वे हमें सपने में आकर क्या बताने की कोशिश करते हैं? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि सपने में पितर दिखाई दें तो उसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ऐसे सपनों के साधारण अर्थ की बात कर लेते हैं। व्यक्ति को सपने में उनके मृत पूर्वज यानी पितर दिखाई देते हैं तो यह सपना अलग अलग परिस्थितियों पर अलग अलग अर्थ देता है। यदि पितर प्रसन्न दिखाई देते हैं तो यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियों का संचार होने वाला है। पर यदि पितर नाराज होते हुए दिखाई देते हैं तो यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों यह तो हुआ सपने में पूर्वजों के देखने का साधारण अर्थ। चलिए अब पितरों से जुड़े सभी विशेष सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में हमारे पूर्वज हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखते हैं तो यह एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भैरव जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सके। सपने में पूर्वज कुछ मांगते हुए नजर आते हैं तो यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को गया में जाकर पिंड दान करना चाहिए ताकि पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सपने में पूर्वज सर के पास खड़े हुए नजर आते हैं तो यह एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ होने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सके। सपने में यदि आपके पूर्वज आपके सर पर हाथ फेरते हैं तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपकी अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव की परिवार सहित पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सके। सपने में आपके पितर दिखाई देते हैं, पल भर बाद वो गायब हो जाते हैं तो यह एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आप किसी बीमारी का शिकार होने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को टाला जा सके। यदि सपने में आपके पूर्वज नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं तो यह एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आप अपने पैतृक संपत्ति को खोने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। यदि आपके सपने में पूर्वज आपके साथ चलते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को शिवालय में जाकर शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाना चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सके। यदि आपके पूर्वज सपने में आते हैं और कुछ बोलते नहीं, ऐसा सपना यह बताता है कि आप अपने जीवन में कुछ गलत करने जा रहे हैं और आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। यदि पूर्वज सपने में आए और आशीर्वाद देकर जाएं तो इस बात की ओर संकेत करता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उसमें 100% सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यदि आपको आपके पूर्वज सपनों में उदास लगें या फिर ऐसा प्रतीत हो कि वह आपके कार्य से प्रसन्न नहीं है तो आपको वह कार्य बिना सोचे समझे वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकता है। बहुत बार पूर्वज सपने में आकर कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं तो ऐसा सपना उनके किसी अधूरे कार्य की ओर इशारा करता है, और ऐसा सपना दिखाई देने पर आपको वह वस्तु किसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। यदि कोई पूर्वज सपने में कहीं दूर या आसमान में नजर आए तो यह सपना बताता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसा सपना दिखाई देने पर व्यक्ति को विष्णु भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सपने में कोई पूर्वज आपको घर में किसी स्थान पर या कहीं आसपास दिखाई देता है तो यह सपना बताता है कि मृत परिजन ने अभी भी अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ा है और वह उनको अपने छत्र छाया में आज भी रखना चाहता है।
ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन गाय को दो रोटी जरूर खिलानी चाहिए और खासकर अमावस्या के दिन अपने पुत्र के नाम से भोग जरूर लगाना चाहिए। सपने में पूर्वज से बात करना भी एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना यह बताता है कि जल्दी ही आपको समस्या का हल मिल जाएगा। इसके साथ ही यह सपना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि जल्दी ही आपको उन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं और लगातार आपके दिमाग को डाइवर्ट करती रहती हैं। यदि आप सपने में अपने पूर्वज को एकदम उदास अवस्था में घर के कोने में बैठे हुए देखते हैं तो यह सपना एक दुर्भाग्य सूचक सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आप पर कोई दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, यह तो थे पितरों से जुड़े कुछ विशेष सपने। चलिए मृत पिता से जुड़े विशेष सपनों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप सपने में मरे हुए पिता को दूर या पास में देखते हैं और वो एकदम चुपचाप खड़े हैं तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके पिता की इच्छा अधूरी रह गई है। इसके साथ ही यह सपना इस ओर भी इशारा करता है कि उनकी मृत्यु के पश्चात आपने रीति रिवाज सही से नहीं किए हैं। सपने में मरे हुए पिता को अपने आसपास रोते हुए देखते हैं तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप जो नया काम करने जा रहे हैं वह काम पूरी तरह से गलत है। यदि सपने में मृत पिता को बीमार देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं और आपके पिता पहले से ही आपको सुझाव देते हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। सपने में मृत पिता यदि अपने बच्चे या घर में किसी को कुछ सामान देते हुए दिखाई देते हैं तो यह सपना शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि घर में बहुत जल्दी अच्छी चीजें होने वाली हैं। वहीं इसके विपरीत यदि मृत व्यक्ति सामान लेते हुए दिखाई दे तो यह अपशगुन माना गया है। अगर आपको अभी तक आए हुए सपनों में से कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है या कोई विशेष सपना आया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह से सटीक जानकारी लेकर आते हैं और कृपया कर ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।